नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बुलंदशहर गैंग रेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ समेत 5 पुलिस अधिकारी निलंबित। आज सीएम अखिलेश यादव करेंगे पीड़ितों से मुलाकात। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। दयाशंकर सिंह की बेटी और पत्नी के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। आतंकी हाफिज सईद ने किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाक दौरे का विरोध। पाकिस्तानी सरकार से कहा रद्द करो दौरा। 3 और 4 अगस्त को सार्क सम्मेलन में भाग लेने इस्लामाबाद जाएंगे राजनाथ सिंह। जाकिर नाइक के खिलाफ सरकार सख्त। नाइक पर कस सकता है कानूनी शिकंजा। सरकार ने तैयार की नाइक के भाषणों से प्रभावित 55 आतंकियों की लिस्ट। सूची में IS लश्कर के आतंकियों के नाम शामिल। काबुल में गेस्ट हाउस पर विस्फोटकों से भरे ट्रक से हमला। 3 आतंकी ढेर। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की भी मौत। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यादगार शादी। हवा में लटक कर दुल्हा दुल्हन ने लिए फेरे। पंडित जी भी रस्सी के सहारे झूलते हुए मंत्रोच्चार करते दिखे। जमैका टेस्ट के दूसरे दिन भी लोकेश राहुल का धमाल। राहुल ने 182 गेंदों पर जड़ा शतक। भारत को मिली 162 रनों की बढ़त। सावन का दूसरा सोमवार आज। मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर तरफ बम बम भोले की गूंज। तो यदि इस वक्त की बड़ी खबरें देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।